दोस्तों, अगर आप YouTube पर अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या YouTube पर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो दोस्तों, YouTube से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे हुए। हो सकता हो ये एक वीडियो आपकी लाइफ में गेम चेंजर साबित हो या आपकी लाइफ को बदल के रख दे। दोस्तों, आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जितना चाहो लाखों करोड़ों जितना आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप YouTube पर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपने ये 5 तरीके जान लिए, ट्रस्ट मी, आप YouTube पर खुद का कैरियर बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल भी देकर समझाऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। व्हाई? कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? पहले लाइव देखो, उसके बाद बातें करेंगे। तो आप यहां पे देखो, मैं अभी जुन्नू की टेक चैनल पर हूं। तो यहां पे मैंने ओल्डेस्ट वीडियो पर क्लिक किया। आज से 6 साल पहले मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी। ये चीजें मुझे उस टाइम नहीं पता थी। जब पता चला मैंने YouTube से पैसा कमाया। और आपको क्या करना है वो जानिए, तो आपका टाइम भी बहुत बचने वाला है। तो यहां पे 6 साल पहले मैंने YouTube पर अपने कैरियर की शुरुआत की। अब स्टार्टिंग में होता है खतरनाक वाला जोश, बहुत ज्यादा जोश होता है बंदे के अंदर। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए। तो कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद यहां पे देखो 5 years ago लिखा हुआ आ चुका है, मैंने गैप ले लिया, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया। तो उसके बाद थोड़े से और वीडियोस अपलोड किए, 1 साल में शायद 30 वीडियो भी अपलोड नहीं किए थे पूरे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर यहां पे थोड़ा सा गैप ले लिया। तो इस तरीके से मैं गैप लेता रहा। 2017 की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद मैंने यहां पे एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल भी गैप नहीं लिया। कहां से नहीं लिया ये चेक करो। ये वो वीडियो है जिस दिन मैंने अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू किया था। तो यहां पे देखो अभी 4 years ago लिखा हुआ रहा है। तो उसके बाद में यहां पे 4 years, अब देखो मैंने 1 साल के अंदर अंदर कितने वीडियोस अपलोड किए ये चेक करो। ऊपर नहीं किए थे ना इतने वीडियोस अपलोड, यहां पे किए। क्यों किए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये चेक करो कितने सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, मतलब लिमिट ही पार कर दी। एक एक दिन में मैंने 2-2 वीडियोस अपलोड किए, बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना था। तो एक एक दिन में जब मैंने 2-2 वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए तो भाई रिस्पांस ऐसे भर भर के मिला। अब ऊपर मेरी वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं काम करता था, छोड़ देता था। लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने आज आप लोगों को। और जब मैंने रेगुलर काम करना शुरू किया तो वीडियोस पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो उसके बाद बीच में फिर से कंसिस्टेंसी टूट गई थी। लेकिन उस टाइम चैनल चल रहा था, पुरानी वीडियो पर व्यूज आ रहे थे। तो तुम्हारे भाई ने 2019 से लेकर आज 2023 चल रहे हैं, बीच में कभी कभी गैप भी लिया है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि भाई देखो हर वक्त भी बंदा वीडियोस नहीं बना सकता। कभी कभी मैंने गैप भी लिया है क्योंकि भाई चैनल तो चलना शुरू हो गया था। तो कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो 8-8 लाख व्यूज भी मिले थे, 10-10 लाख व्यूज भी मिले थे, और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने डिलीट कर दी टिकटॉक से रिलेटेड। तो उस टाइम इन वीडियोस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते थे। तो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज आपने देख लिया, मतलब गैप आपको लेना ही नहीं है। मन नहीं करता भाई वीडियोस बनाने का, लिटरली मन नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी बनाए क्योंकि चैनल को चलाना था। पहली ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको हर कोई बोलता है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, लेकिन आपको दिखाता कोई नहीं है कि क्यों करो। आज मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको काफी सारे यूट्यूबर्स ने ये बात बताई होगी, इवन मैंने भी आपको बताई है स्टार्टिंग में, कि आप अपनी वीडियोस के जो थंबनेल होते हैं उनमें क्लिकबेट ना करो। क्यों ना करो भाई क्लिकबेट? क्योंकि जब आप क्लिकबेट करोगे वीडियो में उससे रिलेटेड सब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। तो हार्डवर्क आप कहां पे कर रहे हो? अपनी वीडियो को बनाने में आप हार्डवर्क कर रहे हो, और थंबनेल आप सिंपल पेल देते हो। आज के टाइम में सिंपल थंबनेल पे कोई क्लिक नहीं करता भाई। वीडियो पर CTR अच्छा आएगा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा आएगा, तभी आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे। YouTube ज्यादा लोगों के पास तभी आपका वीडियो भेजेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, आप जो वीडियोस बना रहे हो, इतना हार्डवर्क करके एक वीडियो को रेडी करते हो,
तो थंबनेल में भी स्मार्ट वर्क करो, क्लिकबेट करो। क्लिकबेट करना जरूरी है अभी के टाइम में। कोई भी यूट्यूबर है, कितना भी बड़ा टेक यूट्यूबर है, क्लियरली बता रहा हूं, क्लिकबेट करता है। क्लिकबेट मींस ये हुआ कि थंबनेल में थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं ताकि ऑडियंस क्लिक करे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्लिकबेट कर रहे हैं लेकिन मिसलीड नहीं कर रहे हैं कि आपका टॉपिक तो कुछ और ही है वीडियो में, लेकिन आप कुछ और ही लिख रहे हो थंबनेल में। ये नहीं करना है, आपकी वीडियो का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा क्लिक्स चाहिए तो। बस सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप YouTube पर सर्च करके देखोगे कि YouTube चैनल कैसे बनाए, तो सिंपल किसी ने नहीं लिखा हुआ है कि YouTube चैनल कैसे बनाए, क्योंकि लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, जब बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है तभी तो उनमें मिलियंस में व्यूज हैं। अब समझदार को इतना ही काफी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं तीसरे तरीके की बात, यूनिक कंटेंट बनाओ। अब ये यूनिक कंटेंट कहां से ढूंढ कर लाएं? आपको बोल तो हर कोई देता है कि यूनिक कंटेंट बनाओ तब आपके वीडियोस चलेंगे। यूनिक कंटेंट बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, आज ये मेरी बात ध्यान से सुनो, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, उसके बनाने से पहले YouTube पर चले जाओ, YouTube पर सर्च करो। आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आ सकता है, आप YouTube पर उसको सर्च करो, जिस पर भी आपको वीडियो बनाना है, टॉप वीडियो सारे देख डालो, स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियो देख लो, वहां से भर भर के नॉलेज ले लो, एंड जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज है उस वीडियो को ध्यान से देखो कि इस बंदे ने किस तरीके से बात की हुई है तभी उसका वीडियो चला। अगर वो सही तरीके से बात ना करता तो उसका वीडियो ना चलता, टॉप पर ना होता। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, उसको पहले YouTube पर सर्च करो, उसके बाद देखो कि यार इन्होंने कैसे बातें की हुई हैं, किस तरीके से इन्होंने ऑडियंस को समझाया हुआ है, फिर उससे बेहतर तरीके से आप समझाओ। समझ रहे हो, भले ही सेम टॉपिक हो, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे सेम टॉपिक पर, लेकिन समझाने का तरीका देखो, उसी तरीके से आप समझाओ। ये पॉइंट याद रखना। फोर्थ, मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट रखना इतना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है? YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे डिमोटिवेट 100% होते हो। मतलब मैं 1000% बोल रहा हूं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 100% डिमोटिवेट होते हो। जब आप डिमोटिवेट हो गए तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आप YouTube पर आगे बढ़ने का सोच रहे हो, सच में आपको YouTube पर आगे बढ़ना है, तो डिमोटिवेट वर्ड अपनी लिस्ट में से निकालना पड़ेगा। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, तो YouTube आपके लिए नहीं है, लिटरली आप YouTube छोड़ दो। क्योंकि YouTube पर जो बंदा डिमोटिवेट हो गया वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने अपने चैनल को कैसे ग्रो किया? कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, कुछ यूट्यूबर्स आज हमारी कैटेगरी के ऐसे हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स थे, मैं उनसे बात करने के लिए तरसता था, मेल करता था, बट कोई रिप्लाई नहीं आता था। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, आज उनके पास हूं, उनकी कैटेगरी में मेरा भी नाम आता है कहीं ना कहीं, तो उनसे मेरा कॉन्टेक्ट है। ये कैसे है? खुद को मोटिवेट रखने से है। व्यूज मत देखो कि व्यूज कितना है मेरी इस वीडियो पर, अगला वीडियो सोचो, क्योंकि आपका क्या पता कौन सा वीडियो कब कितना वायरल हो जाए। तो अगर आपको YouTube पर आगे बढ़ना है तो सीरियसली बता रहा हूँ, खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। पैसे के लिए शुरू किया ना, पैसा कमाना है तो क्यों नहीं रखोगे खुद को मोटिवेट? रखना पड़ेगा। आपको पता है घर बैठे इतना पैसा मिलता है, फिर क्यों नहीं रखोगे खुद को मोटिवेट? अपने कंटेंट पे फोकस करो ना, जो कंटेंट बना रहे हो उसको इंप्रूव करो, डे बाय डे इंप्रूव करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। हर कोई ये बोलता है कि मैं YouTube पर पैसा कमाने नहीं आया हूं। अगर आप भी यही बोलते हो कि मैं YouTube पर पैसा कमाने नहीं आया हूं, तो आप गलत बोलते हो। हर कोई पैसा कमाने आया है, हर किसी को YouTube से पैसा कमाना है, लेकिन अब अपने माइंड में आपको पैसा पैसा नहीं रखना है। अगर आप अपने माइंड में सिर्फ पैसा पैसा हर टाइम पैसा YouTube से पैसा कमाना रखोगे तो नहीं कमा पाओगे। आप जो वीडियोस बना रहे हो एक बार उस पे फोकस कर लो। जिस दिन आपने पैसे को एक साइड रख लिया एंड अपने कंटेंट को एक साइड रख दिया, कंटेंट पे आपने ज्यादा फोकस किया, पैसे को बिल्कुल माइंड से निकाल देना, कंटेंट पे फोकस करो, वीडियोस आपके इंप्रूव होंगे। पैसा पैसा चलता रहेगा, वीडियोस को इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आपकी वीडियो जैसे पहले बनती है वैसे ही बनती रहेंगी, तो आप अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट लेकर आओ। सीरियसली बता रहा हूं, पैसा इधर आ जाएगा सारा का सारा। पैसा आपको तभी मिलता है जब आप दिन रात मेहनत करके कंटेंट में इंप्रूवमेंट लेकर आते हो, यही सोचते हो कि कैसे कंटेंट बनाना है,
किस तरीके से वीडियोस बनाने हैं, आगे ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस की डिमांड क्या है, तभी आपका कंटेंट चलेगा, और कंटेंट चलेगा तो पैसा खुद आपके पास आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, हर किसी को पैसा कमाना है। जो कोई बोलता है ना कि मैं यूट्यूब पर पैसे के लिए काम नहीं करता, उसको भी पैसा कमाना है, लेकिन कंटेंट पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप जितना चाहो लाखों करोड़ों जितना आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन भाई कंटेंट इज द किंग। तो मैंने आपको जो बताया, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में अच्छे से डाल लो एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, कंटेंट को इंप्रूव करना है बस। तो अब आपको जुन्नू की टेक का एक लोगो नजर आ रहा होगा इधर उधर, तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो करो यार फटाफट सब्सक्राइब। मैं आप चलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोगों ने ये वीडियो देखी होगी और इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोग को मिली हैं। तो दोस्तों जो जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं जुन्नू के टेक चैनल के प्लेटफॉर्म से लाया हूं और आप तक पहुंचाया है, जिस जानकारियों को मैंने, उन जानकारियों को हासिल करने के बाद अगर आप उन जानकारियों के हिसाब से ही अपने यूट्यूब चैनल को बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस यूट्यूब चैनल को अपना ग्रो करते हैं, पैसे को साइडलाइन करके कंटेंट पे ध्यान देके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब आप भी उन यूट्यूबर्स की कैटेगरी में जाके खड़े हो जाएंगे जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस में वो अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ अपने यूट्यूब जर्नी को लेके, इसी यही कारण है कि आपको पर डे मेरी एक वीडियो जरूर यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है, लॉन्ग वीडियो, और शॉर्ट वीडियो तो कभी कभी दो तीन वो भी हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, इसी के लिए अपना साथ बनाए रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।